हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है अध्याय 13 में, जिसका नाम है क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योग, और एक नाम और है प्रकृति पुरुष और चेतना। आज हम 13वें अध्याय पे पहुंच गए हैं और जानेंगे भगवान ने 13वें अध्याय में क्या बोला। इससे पहले हम जानेंगे कि यहाँ से अब हमारा 13वां अध्याय, जो हमने अभी तक भगवद गीता के 12 अध्याय पढ़े, हमने जो 6 अध्याय थे प्रारंभ के वो कर्म योग पे पढ़े थे। उसमें भगवान ने हमें कैसे कर्म करने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है ना, कृष्ण के प्रति हमें समर्पित होके कर्म करना है, इसके बारे में हमें ज्ञान दिया। फिर अभी जो 6 अध्याय हमने पढ़े, भक्ति योग है, तो इसमें हमने भगवान ने भक्ति की विशेषता बताई कि हमें भक्ति क्यों करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, किस मार्ग को हमको अपनाना चाहिए। तो इस प्रकार हमने भक्ति योग को जाना। अब यहाँ से जो 13 अध्याय, यहाँ से 18 अध्याय, जो 6 अध्याय है, ये यहाँ से अब ज्ञान योग प्रारंभ हो गया है। तो भगवान ने ज्ञान क्यों दिया, हमें लगेगा ना कि जब भक्ति दे दी, क्योंकि भक्ति तो पूरी भगवत गीता का सार ही है कि हमें भगवत गीता अगर हम पढ़ते हैं तो हमें क्या भक्ति आती है हमारे अंदर, तो हमें भक्ति ही को ही प्राप्त करना है, क्योंकि भक्ति से हम भगवान तक पहुंच सकते हैं, तो हमें भक्ति को ही अपनाना है। लेकिन अब ये ज्ञान की क्या हो सकता है ना, अगर हमको भक्ति आ गई, हमने पढ़ ली भक्ति, तो आगे ज्ञान की क्या हो सकता है। तो यहाँ पे अब हम जानेंगे कि हमें ज्ञान की क्यों हो सकता है। सही मायने में पूर्ण भगवत गीता भक्ति है। प्रथम 6 अध्याय चर्चा करते हैं कैसे कार्य के माध्यम से भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है ना, जो भी हम कर्म करते हैं उसके माध्यम से हम भक्ति तक कैसे पहुंच सकते हैं, ये प्रारंभ के 6 अध्याय में हमने देखा था। अंतिम 6 में ज्ञान के माध्यम से इसे प्राप्त करने का वर्णन है। मध्य 6 भक्ति की ही चर्चा है, तो भगवद गीता में पूरे में भक्ति की चर्चा है, लेकिन विशेष 6 अध्याय थे वो भक्ति योग के। हमने कल वाला विशेष अध्याय पढ़ा, जो नाम ही था उसका भक्ति योग है ना, हमने उसमें अच्छे से जाना कि भक्ति क्या है, भगवान ने भक्त को कैसे, भक्त भगवान को पसंद है। अब यहाँ पे क्या जान रहे हैं, ज्ञान। तो ज्ञान का क्या बता रहे हैं कि ज्ञान भी हमें इसलिए प्राप्त करना है क्योंकि हम भक्ति को अच्छे से प्राप्त कर सके, क्योंकि जो भक्ति का मार्ग है ना वो बहुत ही, मतलब हमारी भक्ति कभी नष्ट नहीं होती है ना, तो बहुत बहु जन जन्म नाम अंते है ना, तो हम बहुत जन्म से हम करते आ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी भक्ति करते आ रहे हैं, इसलिए आज हम यहाँ आके और भी भगवत गीता को अच्छे से समझ पा रहे हैं, क्योंकि हम भक्ति करके आए। तो ये भक्ति की यात्रा हमारी चलती रहेगी, तो जो लंबी यात्रा है ना ये भक्ति की, कभी नष्ट नहीं होते हमारी भक्ति। तो इसको अगर हमें ज्ञान नहीं प्राप्त होगा कि हमें इसे कैसे करना है ना, तो फिर हम लोग बीच में क्या हो सकते हैं, भ्रमित हो सकते हैं ना, चलते चलते कभी कभी दो राहें आ जाते हैं रोड से भी, है ना, लॉन्ग जब हम निकलते हैं लंबी दूरी की यात्रा में, तो दो तीन रास्ते आते हैं, तो कई बार जब हमें रास्ता सही पता नहीं होता कहाँ जाना, तो हम लोग भ्रमित हो जाते हैं कि इसमें जाना है किसमें जाना है इसमें। लेकिन अगर हमें सही ज्ञान हो, है ना, हमें जैसे पहले से पता हो कि नहीं यही एकमात्र रास्ता जा रहा है ना, इधर के जो आजू बाजू के रास्ते हैं वो हमें कहीं और डायरेक्शन में ले जाएंगे, लेकिन ये वाला रास्ता है जो सीधा जा रहा है यही हमारे सही रास्ता है, हमें जो मंजिल है हमारी, तो हम उस रास्ते पे निकलते, मतलब हमें उसका ज्ञान होना चाहिए ना। तो इसी प्रकार अगर हमें भक्ति को प्राप्त करना है, तो भक्ति के लिए हमें पहले ज्ञान चाहिए, नहीं तो हम भक्ति में भी चलते चलते क्या बीच में भ्रमित हो जाते हैं ना। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो 6 अध्याय है उसमें भगवान ने ज्ञान दिया कि ज्ञान के द्वारा हम कैसे भक्ति में और दृढ़ हो सकते हैं ना, और हम अच्छे से निश्चय अपने दृढ़ निश्चित होकर भगवान भक्ति की ओर बढ़ सकते हैं। इसके अलावा 12वें अध्याय में कृष्ण ने बताया कि कैसे व्यक्तिगत रूप से अपने भक्तों को जन्म मृत्यु से बचाते है ना, तेषां समुद्धरता मृत्यु संसार सागर भवामि चिरात् पार्थ मनीया वैति सचेतसा, ना भगवान ने बोला था ना, जो भक्त होते हैं वो भौतिक रूपी सागर में गिरे हुए, तो उसको फिर भगवान आके उनको बचा के लेके जाते हैं, तो उनको जन्म मृत्यु से वो बच जाते हैं, क्योंकि जब भगवान उनको ले जाते हैं तो फिर वो दोबारा कभी जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसते। हमने ये 12वें अध्याय में कल देखा था। अंतिम 6 अध्याय जो भौतिक दुनिया से खुद को निकालने के आवश्यक दार्शनिक ज्ञान प्रदान करते हैं। अब हम भौतिक दुनिया में फंसे हैं तो हम कैसे इससे निकल सकते हैं, उसके लिए हमें भक्ति करना है, लेकिन भक्ति के लिए सही रास्ता क्या है ना, भक्ति का हम किस रास्ते से हम भक्ति तक पहुंच सकते हैं, तो इसलिए उसको यहाँ पे ज्ञान के द्वारा बताया गया। ज्ञान माया से छुटकारा पाने में सहायता करती है और हमें प्रकृति की ओर हम कृष्ण की ओर आकर्षित करती है ना। तो हमने बड़ा तेज के बड़ा था, दैवी है शा गुण माया दुरतया मामे प्रपतंते माया तेता माया मिता तरंती दे, भगवान ने कहा कि माया बहुत ही विशाल है ना, और इससे
पार पाना बहुत कठिन है, लेकिन जो मेरी शरणागत है ना, तो हमें क्या होता है, ज्ञान हमें क्या माया से छुटकारा दिलाने में सहायता करता है और हमें भगवान के तरफ लेके जाता है ना। अगर ज्ञान नहीं होगा हमें हमें तो फिर हम इसमें हम भगवान की तरफ नहीं बढ़ सकते। तो यहाँ पे यहीं पे इसलिए ज्ञान योग की व्याख्या अब भगवान कर रहे हैं। इसलिए जब हम भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान का उपयोग करते तो ये भक्ति का हिस्सा बन जाता है। तो ये हमें क्लियर हो गया कि हमें ज्ञान योग भगवान ने क्यों दिया है ना। ये जो 6 अध्याय आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर अध्याय ये भी, और इससे हमें बहुत कुछ हर चीज के बारे में भगवान एक एक चीज के बारे में ज्ञान देंगे, जिससे हम भौतिक सृष्टि के बारे में भी जान सकते हैं और इसमें अध्यात्मिक ज्ञान भी। भगवान अध्यात्मिक लोक के बारे में बताएंगे, भौतिक लोक के बारे में बताएंगे, और हम लोग अगर यहाँ पे फंस गए हैं तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ना, और कैसे यहाँ से निकल सकते हैं। तो ये सब हमको ये ज्ञान मार्ग में हमें पता चलेगा, ज्ञान योग। अर्जुन उवाच प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्र क्षेत्रज्ञमेव चा एतद्वेत्ति मिच्छामि ज्ञानम येयम च केशवा। श्री भगवान उवाच इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ तद्विदः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष भोक्ता क्षेत्र एवं क्षेत्र तथा ज्ञान तथा ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ, है ना। मतलब वो अब वो 6 प्रश्न अर्जुन के आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रकृति क्या है ये, फिर पुरुष कौन है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्र क्या है, और ज्ञान और ज्ञेय के विषय में मैं जानने का इच्छुक हूँ। भगवान इसके जवाब में क्या बोल रहे हैं, श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, ये शरीर क्षेत्र कहलाता और क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्र है। अब यहाँ पे जो भगवान ने जो श्लोक नंबर 2 है, इसमें अभी उन्होंने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का आंसर दिया ना। अर्जुन के 6 प्रश्न है, जिसमें से एक क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ भी है। तो सबसे पहले भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में बता रहे हैं। तो क्षेत्र क्या है, जो हमारा शरीर है ये क्षेत्र कहलाता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, इससे कार्य करते हैं ना, अपने कर्म करते हैं इस क्षेत्र से, तो ये क्षेत्र है। और अगर हमने इसके बारे में, अपने शरीर के बारे में अच्छे से जान लिया कि ये शरीर हमें क्यों मिला है ना, किस उद्देश्य से हमको ये भौतिक शरीर में हम आए हैं, तो अगर हम ये जान लेंगे तो हम क्षेत्रज्ञ। और हम क्यों करते हैं कर्म, है ना, कि हमें कैसे कर्म करने चाहिए, तो ये सब क्या है, हमें क्षेत्रज्ञ आता है। तो अब इस क्षेत्र से हम जो भी कार्य करते हैं वो हमारा कर्म क्षेत्र बन जाता है ना। अब भगवान ने देखो ऐसे सवालों का भगवान ने अर्जुन को जवाब दिया। प्रकृति मतलब क्या है, भौतिक प्रकृति। तो हम जो संसार में जो भी कुछ देख रहे हैं यहाँ पे, भौतिक प्रकृति, ये सब प्रकृति है ना। पुरुष, पुरुष के बारे में जो आनंद भोगता है प्रकृति का ना। अब कौन आनंद भोगता है, हम लोग जीव, जीवात्मा जो यहाँ पे आए हैं, जीवित इकाई है, जो वो क्या करता है, आनंद है ना। भगवान ने 7वें अध्याय में भी कहा था कि जो चर और अचर मेरी सब इन्हीं से बना हुआ है ना। तो जो अचर है वो क्या, भौतिक प्रकृति, और जो चर है वो जीवात्मा है, जो यहाँ पे हमें दिख रही है, जिसमें आत्मा है, तो वो चर प्राणी है। तो जो चर प्राणी वो क्या कर रही है, भगवान ने कहा था कि मेरी जो अचर प्रकृति है उसका भोग कर रही है ना, विदोहन कर रही है। तो यहाँ पे जो जीवात्मा होती है, जब वो भौतिक प्रकृति में आती है, तो वो क्या करते हैं, अपने पालन के लिए ना, अपने शरीर के पालन के लिए वो क्या करती है, भौतिक प्रकृति में जो भी हमें यहाँ से मिलता है उसका वो भोग करती है, तभी वो अपने आप को यहाँ पे रख पाती है। तो जो हम पुरुष, मतलब पुरुष का मतलब क्या है, ये जीवात्मा जो कि भोग कर रहा है ना। तो इसमें हम अपने आवश्यकताओं का भी भोग कर रहे हैं, और फिर हमारी कुछ इच्छाएं होती हैं जो हमारी जरूरत, फिर क्या होता है, जो हमें आवश्यकता से भी हमें ऊपर जो भौतिक इच्छाएं होती, तो हम उसको भी भोग रहे हैं, तो किससे, वो भी हम भौतिक प्रकृति से। लेकिन पुरुष कौन होते, दो होते हैं ना, एक तो जीवात्मा होती है जो भोग कर रही, एक होते परमात्मा भगवान, है ना। तो क्योंकि भगवान क्या है, परम भोक्ता राम, भोक्ता राम यक तपसाम, तो भोग करने वाले मेन कौन है, वैसे भगवान। लेकिन हम लोग अज्ञानता में अपने आप को, अपनी जो है, अपने आप को भोग में लगा देते हैं। तो एक तो पुरुष है, पुरुष कौन हो गए, एक तो जीवात्मा पुरुष हो गई और एक परमात्मा। तो परमात्मा को परम पुरुष बोलते हैं ना। तो इस प्रकार दो पुरुष हो गए। क्षेत्र, अब क्षेत्र क्या है, ये जो क्षेत्र क्या है, जो तन है, हमको जो शरीर मिला है, यही हमारा क्षेत्र है। क्योंकि हम अगर एक आत्मा, जब जिस शरीर में भगवान द्वारा हमें भेज दी जाती है, तो उस शरीर में ही रह के हम जो भी कार्यकलाप करते हैं ना, उस शरीर से ही करते हैं। आत्मा तो पूरे शरीर को चेतना दे रही है हमारे, है ना, जागृत कर रही है। तो और जो हम कार्य कर रहे हैं वो शरीर से कर रहे हैं, तो ये शरीर क्या, हमारा क्षेत्र है।
ना, कर्म क्षेत्र, जो भी हम कर्म करते हैं तो ये हमारा कर्म क्षेत्र बन जाता है। क्षेत्र की क्या है, क्षेत्र के ज्ञाता वह शरीर में आत्मा परमात्मा सभी निकायों में जानता है। तो अब हम क्षेत्र हैं, तो अगर हम अपने शरीर के बारे में सब कुछ जानते है ना, तो इस शरीर को जानने वाले को बोलते हैं क्षेत्रज्ञ। तो हम कौन से कर्म कर रहे हैं, कौन से करने चाहिए हमें, है ना, तो ये सब हम अगर इसका हमें ज्ञान है तो हम क्या है, क्षेत्र है। तो हम क्या अपने शरीर के बारे में जानते हैं, लेकिन मैं दूसरे के शरीर के बारे में नहीं जान सकती हूँ ना। इसी प्रकार क्षेत्रज्ञ भी दो होते हैं। कैसा है? एक होता है कि जीवात्मा, जो केवल जिस शरीर में, उस शरीर के बारे में वो अच्छे से जानता है, लेकिन एक होता है परमात्मा। परमात्मा क्या होता है, सभी के शरीरों में, है ना। अब मैं मतलब किसी दूसरे के मन में क्या चल रहा है, वो कैसे कर्म करेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन भगवान को सब पता है ना, क्योंकि भगवान उसके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं। तो भगवान सभी क्षेत्रज्ञ को जानते हैं, जितनी भी पृथ्वी की गायें हैं सब में भगवान परमात्मा के रूप में और साक्षी के रूप में, तो वो तो देख भी रहे हैं, है ना। और वो उनको उनके उनको भगवान को पता है कि वो व्यक्ति अपने शरीर से कौन कौन से कर्म कर रहा है ना। जैसे बहुत सारे लोग हैं ऐसे कुछ कर्म करते हैं अकेले में, जो उनको लगता है कोई नहीं देख रहा, लेकिन वो अपने जो कर्म कर रहे हैं वो खुद के कर्मों को जानता है, तो वो अपने शरीर का क्षेत्रज्ञ हो गया। लेकिन वो सोच रहा है कि अब कोई नहीं देख रहा, लेकिन परमात्मा तो सब कुछ देख रहे हैं, भगवान तो सब कुछ देख रहे हैं, तो भगवान के सारे कर्मों को जानता है ना। तो ऐसे हर एक प्राणी है। तो एक जो जीवात्मा वो अपने बारे में जानती है अपने, कि उसको क्या कर्म क्षेत्र वो कर रहा है, और जो परमात्मा है वो सारे कर्म क्षेत्रों के बारे में, जितनी जीवात्माएं हैं सबके कर्म क्षेत्रों के बारे में जानता है। तो क्षेत्रज्ञ भी दो है। अब ज्ञान, ज्ञानम क्या है, क्षेत्र और क्षेत्र को समझना, है ना। जो अपने क्षेत्र को और क्षेत्रज्ञ को, जो दोनों को समझ लेता है, मतलब आत्मा और परमात्मा दोनों का जिसको ज्ञान हो जाता है वो ज्ञान है। और ज्ञेयम क्या है, ज्ञेयम का है ज्ञान का लक्ष्य, है ना। तो ज्ञान, ज्ञेयम का मतलब होता है कि ज्ञान का लक्ष्य हमें, तो हमें ज्ञान कैसा प्राप्त करना, हमारे ज्ञान का लक्ष्य क्या होना चाहिए, परमात्मा, है ना। तो हमें परमात्मा को समझना है। तो ये मतलब अर्जुन के 6 प्रश्न है, और इस प्रकार भगवान ने उनके उत्तर दिए। अब इसको और हम अच्छे से समझेंगे अब इस अध्याय में, क्योंकि पूरा जो अध्याय है इन 6 प्रश्नों पे ही पूरा टिका हुआ है। तो हम इसको और अब डिटेल में समझेंगे यहाँ पे। क्षेत्रम चापि मविद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानम् यत्तज्ज्ञानम् मतम् मम। हे अर्जुन, आपको समझना चाहिए कि मैं भी सभी शरीरों का ज्ञाता हूँ, और इस शरीर और इसके ज्ञाता को समझने को ज्ञान कहा है, कहा जाता है, ये मेरी राय है ना। तो भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कि आप मतलब सभी शरीरों का, मैं ही शरीर सभी शरीरों का ज्ञाता हूँ। भगवान भगवान तो सभी शरीरों को जानते हैं ना, हम अपने शरीर के बारे में, मतलब क्षेत्र यहाँ पे शरीर को बोला गया है ना, कि हम अपने शरीर को जानते हैं लेकिन हम दूसरे के शरीर को नहीं जानते, और भगवान सबके शरीरों को जानता है ना। और इस शरीर और उसकी ज्ञाता को समझने वाला, तो हम अपने शरीर को और हम अपने शरीर के जो जानने वाला है भगवान के बारे में समझ लेते हैं, तो वो ज्ञान कहलाता है, समझने वाला ज्ञान कहा जाता है। तो जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं पिक्चर में कि एक व्यक्ति कुछ भी कार्य कर रहा है, चाहे वो जागृत अवस्था में, चाहे वो अपने ना, है ना, सुप्त अवस्था में है, चाहे वो अपने स्वप्न की अवस्था में, तीनों अवस्था में है, और उसके अंदर आत्मा भी है, और एक पुरुष आत्मा दिख रहा है उसमें और एक पुरुष परमात्मा दिख रहा है। तो आत्मा है जो, जिससे उसका शरीर क्रियाशील है, वो आत्मा है, और आत्मा के साथ परमात्मा भी हमारे हृदय में होते हैं। तो एक व्यक्ति कुछ भी कार्य करे उसके साथ हमेशा आत्मा और उसके शरीर में परमात्मा हर समय क्रियाशील रहते हैं, भले ही वो सो रहा होगा, लेकिन आत्मा और परमात्मा हमेशा क्रियाशील रहते हैं। तो यह हम इससे समझ सकते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर आत्मा और परमात्मा दोनों ही होते हैं। तो यही भगवान यहाँ पे इस वाले अध्याय में समझा रहे हैं, है ना। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम कैसे समझेंगे, कि जैसे मान लो अभी क्षेत्रज्ञ की बात करें ना, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, तो हम उसको क्षेत्र को कैसे समझे, एक खेत की तरह। कि मान लो एक व्यक्ति होता है, वो अपने खेत के, अपने उसके पास कितनी जमीन है, कितनी भूमि है उसके पास, उसको वो जानता है कि मेरे पास कितनी ही जगह है ना, और उसमें उसको क्या मतलब उस खेत का, उस जगह का उसको क्या करना, उसमें उसको क्या फसल बोना, उसको ही पता रहता है। लेकिन वहाँ का जो राजा होता है ना, ऐसे बहुत सारे किसान होते हैं राजा के अंडर, राज्य में, राजा के राज्य में, है ना,
तो राजा को क्या होता है, सबकी भूमि के बारे में पता होता है ना, कि यहाँ पे कितने किसान हैं और हर किसान के पास कितनी भूमि है और वो उस भूमि में क्या कार्य कर रहे हैं ना, तो इस प्रकार उसको सारा ज्ञात होता है। तो इसी प्रकार क्या होता है कि हम जो भी जितनी भी जीवात्मा है इस संसार में, उसका ज्ञान किसको रहता है, परमात्मा को, भगवान को रहता है सबका। और हम इस अपने इस शरीर से क्या कार्य कर रहे हैं, क्या कर्म कर रहे हैं, इसका भी ज्ञान किसके पास, सभी ज्ञान भगवान के पास रहता है। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को समझने के लिए हमने ये खेत और किसान के माध्यम से हमने इस चीज को समझे। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों की ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किए थे। विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्यकरण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया। तो ये वेद व्यास जी है, इन्होंने सारे वेद लिखे हैं, है ना, और वेदांत सूत्र भी इन्होंने दिया है। और जो हम अभी ये भगवद गीता पढ़ रहे हैं, तो ये भी महाभारत से है, तो महाभारत का ये पार्ट है, इसलिए इसको गीतोपनिषद कहा जाता है। तो ये भी वेद व्यास जी ने लिखा, तो उन्होंने इस चीज को जब वेदांत सूत्र लिखा था ना, तो उसमें इस चीज को अच्छे से समझाया कि हमें कार्यकलाप कैसा है, क्या है, और हमें इसका ज्ञान कैसे हो सकता है, तो ये यहाँ पे बताया गया है। भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्यमय रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन, अन्य पर निर्भरता, ये ब्रह्म की भौतिक अनुभूति। अब ये जो श्लोक है, इसमें हमें भगवान की अनुभूति हम कैसे कर सकते हैं ना, तो पांच स्तर हम भगवान को अनुभूति समझ सकते, तो हमें पांच तरह का ज्ञान होता है भगवान को समझने के लिए। तो हम उसको इस सूत्र के माध्यम से, इस वाले श्लोक के माध्यम से समझते हैं। तो पहला, भगवान की शक्ति का प्रकट अन्यमय रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन। तो जब एक प्राणी में चेतना होती है, जिसको उसको सिर्फ खाने का ही ज्ञान होता है, बस उसको खाना, क्योंकि खाना तो सबकी आवश्यकता है, अन्य के बिना तो कोई जीवित प्राणी रह नहीं सकता है ना, तो उसकी आवश्यकता मेन क्या होती है, अन्य होती है। तो अगर उसके और उसकी चेतना क्या होती है, मतलब इतनी विकसित नहीं होती कि वो सिर्फ खाली अन्य के लिए, जैसे हम बहुत सारे पशु देखते हैं जिसका काम सिर्फ होता है कि खाना, तो सिर्फ खाने के लिए ही, मतलब इतना ही ज्ञान होता है कि बस उसको भूख लगी उसको खाना है ना। तो ऐसे जो इतना जो जिसके पास ज्ञान होता है, वो क्या स्थिति कहलाती, अन्य में कहलाती, और ये ब्रह्म की भौतिकवादी अनुभूति है। तो जिस व्यक्ति में अन्य तक ही उसको ज्ञान होता है, फिर अन्य में परम सत्य की अनुभूति कराने के पश्चात, फिर प्राण में, रूप में, मनो सजीव लक्षणों या जीवन रूपों के परम सत्य की अनुभूति करता है। अब जब व्यक्ति में थोड़ी और चेतना विकसित होती है ना, और थोड़ा ज्ञान आता है ना, तो क्या होता है कि वो उसको है ना, अपने प्राण में, प्राण की रक्षा करने का, प्राण रक्षा करने का भी ज्ञान आ जाता है। जैसे बहुत छोटा बच्चा है, वो उसको सिर्फ कोई भी चीज मिलती है वो मुंह में डाल लेता है ना, तो उसको सिर्फ खाने की ही मतलब सुध रहती है, क्योंकि बहुत छोटा है, उसमें इतना ज्ञान नहीं है। लेकिन जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है, तो उसको अपने प्राणों की रक्षा करने का भी आ जाता है ना। वो छोटे बच्चे तो अग्नि में भी हाथ दे सकते हैं ना, उनको तो इतना ज्ञान नहीं होता है ना, तो बहुत सारा पानी है उसमें भी चले जाते हैं। तो हमेशा छोटे बच्चों को इसलिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उनके पास उतनी बुद्धि नहीं होती कि उनको अपने प्राणों की रक्षा की चेतना हो। लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, अपने प्राणों की रक्षा के लिए भी उसको जागृत हो जाता है कि मेरे प्राण कौन कौन सी चीज है ना, जिससे मुझे हानि हो सकती है, जैसे तेज धार वाला हथियार, इससे भी हम छोटे बच्चों को देने में डरते हैं, आजू बाजू रखने में, क्योंकि उनके पास तो इतना ज्ञान नहीं होता। तो यही चेतना थोड़ी विकसित होती है, और उसको अपने प्राणों की रक्षा करने के भी, तो वो संजीव मनुष्य संजीव लक्षणों या जीवित रूपों के परम सत्य की अनुभूति करता है। तो वो जान जाता है कि प्राण की रक्षा करना भी हमारा जीवन, हमें जीवन हमें कैसे बचाना। फिर ज्ञान में, रूप में, वे अनुभूति में, ये अनुभूति सजीव लक्षणों के आगे बढ़ के चिंतन, अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुंचती है ना। अब वो क्या, अब एक व्यक्ति की जो चेतना है, वो जो अन्य में और प्राण में से आगे बढ़ती, तो क्या होता है, वो चिंतन मनन करने लगता है ना, हर चीज के बारे में सोचता है कि ये क्यों है भौतिक संसार में, है ना, और उसकी इच्छाएं होती, और वो सीखता है, अनुभव करता है। जैसे बहुत सारे पशु हैं, अगर उनको रोटी देते हैं तो पास आते हैं, और अगर उसको मारते हैं तो क्या होते हैं, वो भाग जाते हैं। और जब वो दोबारा हमको देखेंगे, तो अगर हमने उनको रोटी देते थे तो वो आएंगे हमारे पास, है ना। और कुछ लोग होंगे जो अगर मारते होंगे, अगर मान लो हम मारते हैं, तो वो फिर हमको देख के हमको भाग जाएंगे। तो मतलब उनके पास इतना ज्ञान होता है, तो उनके पास इतना अनुभव आ जाता है ना। तो इस तरह उनकी चेतना आगे बढ़ती है, तो ये पशुओं में रहती है ये चेतना। तो हम आगे बढ़ेंगे बात।
इस तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है जिसे विज्ञान में रूप कहते हैं, जिससे जीव के मन में जीवन के लक्षणों को जिससे भिन्न समझा जाता है। अब जो चेतना होती है ना, वो ऐसी चेतना होती है कि ये जो चेतना है अभी क्या है, मनुष्यों में पाई जाती। अभी तक जो हमने तीन चेतना पढ़ रहे थे ये पशुओं में भी होती है और मनुष्यों में भी होती है, मतलब पशुओं की निम्न चेतना होती है इसलिए उनमें इतना ज्ञान होता है। अब ये जो ये विज्ञान में चेतना है ना, इसमें क्या होता है कि मनुष्य को जिज्ञासा होती है कि मैं क्यों हूँ, मैं क्यों आया हूँ इस जीवन में, और यहाँ से मैं कैसे छुटकारा पा सकता हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। ये जो चेतना होती है वो पशुओं में नहीं होती है ना, उनके पास इतनी विकसित, उनके पास इतनी बुद्धि विकसित नहीं होती, तो इसलिए अब वो यहाँ पे ब्रह्म की अनुभूति करने लगता है। ब्रह्म के बारे में जानने की इच्छा है ना, अतः तो ब्रह्म में जिज्ञासा, तो उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होने लगती है हर चीज को जानने की, है ना। तो ये होती है विज्ञान में। इसके पश्चात परम अवस्था आती है जो आनंदमय, अर्थात सर्व आनंद में प्रकृति की अनुभूति। इस प्रकार से ब्रह्म अनुभूति की पांच अवस्थाएं, जिसे ब्रह्म पुच्छ कहा जाता है ना, इसको ब्रह्म पुच्छ अवस्था ही हमारे शास्त्रों में बोला गया है। तो अब ये पांचवी अवस्था क्या है कि आनंद में है ना, जो भगवान के बारे में, अपनी आत्मा के बारे में, और आत्मा का, आत्मा क्या है, भगवान, ये जो मनुष्य जीवन मिला है तो हमें किसने मिला है, भगवान की सेवा करने की मिला है, और हम भगवान की सेवा करते करते, भक्ति करते, हम भगवान के आध्यात्मिक लोग में भी वहां भी भगवान की सेवा करेंगे। और जो जब वो भगवान की सेवा में लग जाता है तो उसकी जो, उसका जो आनंद होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा है ना। भौतिक आनंद तो क्या होता है, वो जो सुख मिलता है वो कभी सुख रहता है, कभी दुख में भी बदल जाता है, लेकिन जब आध्यात्मिक आनंद से हम जुड़ते हैं तो वो हमारे लिए कभी भी कम नहीं होता है ना, हमेशा बढ़ता ही जाता है। तो इस प्रकार एक व्यक्ति जब भगवान और अपने आत्मा, आत्मा और परमात्मा को अच्छी तरह से जान जाता है और अपने आप को भगवान के सेवा के रूप में नियुक्त करता है, तो वो उसमें कौन सी चेतना होती है, सर्वोपरि है ना, सबसे ऊंची चेतना मानी जाती है जिसको, वो होती है आनंदमय चेतना। तो इस प्रकार हम जान सकते हैं कि एक व्यक्ति में कितने प्रकार की चेतनाएं होती है ना, कि उसकी बुद्धि कैसे विकसित होती है ना। तो इसके, इसमें से प्रथम तीन अन्नमय, प्राणमय और ज्ञानमय अवस्थाएं जीवों के कार्यकलापों के क्षेत्रों से संबंधित होती है ना, क्योंकि जो व्यक्ति कार्य कर रहा है अपने इस शरीर से उससे संबंधित होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, भौतिकवादी बोलते हैं। परमेश्वर इन कार्यकलापों के क्षेत्रों से परे है और अन्य आनंदमय है ना। तो भगवान जो, जब हम अपने शरीर के लेवल में खाली काम करते हैं तो वो क्या होती है, वो भगवान से हमने अपने आप को जोड़ा ही नहीं है, तो जब जोड़ा नहीं है तो वे सारी प्रकृति क्या कहलाते, बोलता वो सारी जो कार्य कहलाते हैं वो भौतिकवादी कहलाते हैं, और जब हम भगवान की तरह पढ़ते हैं तो वो क्या, आनंदमय हो जाते हैं। तो ये हमारी जो अनुभूति सर्वोच्च होती है। हरे कृष्ण, यहाँ भी यही बताया, पांच स्टेप है ना, अन्नमय, प्राणमय, विज्ञान, ज्ञानमय, विज्ञानमय, और फिर ये आनंदमय। अब हमने ये जाना कि क्षेत्र हमने पढ़ लिया कि क्षेत्र जो हम जिस शरीर से कार्य करते हैं, इस भौतिक सृष्टि में आके है ना, तो वो हमारा शरीर को ही क्षेत्र बोला गया। अब ये शरीर कैसे बना है ना, तो भगवान अब ज्ञान दे रहे हैं कि क्षेत्र भी कैसे बना है, उसको जानने के लिए यहाँ पे बोला है कि जो हमारे पांच महाभूत अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, तीनों गुणों की अव्यक्त अप्रकट अवस्था, तसो इंद्रिय तथा मन, पांच इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघार, जीवन के लक्ष्य लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र और की अंतःक्रियाएं कहा गया। तो हमारा जो क्षेत्र है वो 24 तत्वों से मिलके बना है, तो उसको भगवान ने यही बताया है कि पांच महाभूत, जैसे हम सब जानते हैं ना, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, जल और वायु, ये पांच महाभूत हैं। फिर अहंकार है ना, तो ये और मन, बुद्धि, अहंकार ना, और क्या बोला, मन, बुद्धि, अहंकार, बुद्धि और अव्यक्त अवस्था है ना। तो अव्यक्त अवस्था जो प्रकृति के तीन गुण हम पढ़ते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तो वो सब भी आती है हमारे अंदर, शरीर में ही होती है। तो इसलिए हमारा शरीर 24 तत्वों से मिला है। फिर 10 इंद्रियां, जैसे पांच ज्ञानेंद्रिय होती हैं और पांच कर्मेंद्रिय होती हैं। तो ज्ञानेंद्रिय होती है जैसे आंख, नाक, कान, जीवा और हाथ,
ये हमारी कर्मेंद्रिय ज्ञान, सॉरी ज्ञान इंद्रिया, कर्मेंद्रिय क्या है, हाथ पैर मुंह लिंग और गुदा, ये हमारी कर्मेंद्रिया है। और इंद्रिय विषय जैसे आंख से हम रूप देखते हैं ना, रूप का चिंतन करते हैं, कान है, कान से हम ध्वनि सुनते हैं ना, ध्वनि ध्वनि इसका विषय है, और नाक है, नाक का गंध है, हाथ का जो त्वचा उसका स्पर्श है, और एक क्या रहेगा, जीवा, जीवा का रस है। तो इस प्रकार से इंद्रिय विषय होते हैं। तो अब ये पांच महाभूत, पांच 10 इंद्रिया है ना, पांच कर्मेंद्रिय, पांच ज्ञान इंद्रिय और पांच इंद्रिय विषय, ऐसे कुल हो गए 20 तत्व है ना। 20 में अब क्या आ गया, मन बुद्धि अहंकार, 23 हो गए मन बुद्धि अहंकार। क्योंकि तो जितने ये 10 इंद्रिया होती है उसमें एक मन भी होता है, क्योंकि तो ये सबका सेंटर पॉइंट होता है, मन है ना, सबके ऊपर होता है, सबको मतलब नियंत्रित करने वाला मन होता है। तो ये 10 इंद्रिया होगी, 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिया, और उसके ऊपर होता है मन। तो ऐसे करके हमारी 11 इंद्रिया कहलाती है ना। तो 11 इंद्रिया, और ये 20 हमने ये पढ़े, और एक 11 मतलब 20 तत्व हमने पढ़े, और 21 हो गया मन, और फिर अहंकार बुद्धि और प्रकृति के तीनों गुण, ऐसे मिला के 24 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, भगवान ने हमें ऐसे बताया है। और फिर ये क्या, अब हमें ज्ञान है ना, किस चीज का ज्ञान, ज्ञान के क्या है, ज्ञान क्या है, तो ज्ञान को, क्योंकि यहाँ भगवान अर्जुन का एक प्रश्न था ना कि ज्ञेयम, ज्ञान क्या है ना, तो अब ज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है, तो ज्ञान को जानने के लिए भगवान ने ये इतने 5 श्लोक में भगवान ने ज्ञान का बताया कि ज्ञान है क्या। तो हम इसको पढ़ेंगे, इसके एक्चुअली 20 है, 20 तत्व कहलाते हैं ये, जो ज्ञान माने जाते हैं। तो उसमें क्या है, हम पढ़ते हैं, विनम्रता, दमहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु, वृद्धा वृद्धावस्था तथा रोग, रोगों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री सुख तथा अन्य वस्तुओं की से ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति हे निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समुदायों से बिलगांव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ, और इसके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। तो भगवान ने जो ज्ञान, ज्ञानी लोग होते हैं उनके पास कौन सी चीज होनी चाहिए, कौन कौन से गुण होते हैं, उसको तो भगवान ने ऐसे 20 गुण के रूप में बताया कि उनमें विनम्रता होनी चाहिए ना। तो हम एक तो पॉइंट अभी इसमें, और हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे, तो ये पूरे पॉइंट बने हुए हैं, इसको हम अच्छे से समझते हैं। जैसे नम्रता ना, विनम्रता, तो क्या बोला है, सम्मानित होने की संतुष्टि के लिए उत्सुक ना होना है ना। तो इतनी भी नम्रता होना चाहिए कि कोई हमें सम्मान करे या ना करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फिर शुष्कता, समझना कि तुम शरीर नहीं हो, और इस प्रकार सम्मान और अनादर एक ही है ना। जब हम सोचते कि हम शरीर है तो हम चाहते कोई हमारा मान सम्मान करे, लेकिन जब हम, हमारे पास ज्ञान होता है, क्योंकि यहाँ ज्ञान की बताया है, तो हमारे पास इतना ज्ञान होता है कि हम अपने आप को शरीर में हम आत्मा मानते हैं, तो हमको लगता है कि जो सम्मान है वो तो शरीर को मिल रहा है, तो ना हमें सम्मान चाहिए, और कोई हमें हमारा अपमान भी करे तो हम सोचते हैं कि ये अपमान शरीर को मिल रहा है, ये हमारा कोई इसमें अपमान नहीं है, तो इसलिए हम ना इसमें क्रोध नहीं करते, और हम उस दोनों परिस्थितियों में क्या रहते हैं, समभाव रहते हैं। तो ये ज्ञान है। फिर अहिंसा, जब तक लोगों को अध्यात्मिक ज्ञान नहीं पहुंचता तब तक वे हिंसा का अभ्यास करते रहते हैं ना। तो अगर हमारे पास अध्यात्मिक ज्ञान है कि हम वेद शास्त्रों को, भगवद गीता, वेद शास्त्रों के सार भगवद गीता को पढ़ रहे हैं, तो हमें ये इसका प्रचार करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो लोग इसके बारे में नहीं जानते वो क्या है, अज्ञानी है, और जब तक वो अज्ञान में रहेंगे तब वो अहिंसा मतलब वो हिंसा करते रहेंगे ना, दूसरे प्राणियों को मारते रहेंगे। हमें उनके ज्ञान के लिए भी सोचना चाहिए। सहनशीलता, दूसरों के अपमान और अपमान सहने का अभ्यास, जो सहनशील होते हैं ना, वही वाली बात अभी हमने चर्चा करी थी, जैसे कि वो आत्मा के लेवल में सोचते हैं, तो जब उनको मान मिलता है तो भी उनको बहुत, वो हर्षित नहीं होते हैं कि बहुत गर्व से फूल गए, और उनका कोई अपमान करता है तो वो तब भी वो दुखी नहीं होते, तो वो दूसरे के अपमान को सहन करने की क्षमता होती है उनके अंदर, है ना। तो ये सहनशीलता, सरलता, इतना सीधा कि आप दुश्मन के सामने भी सच का खुलासा कर सके, मतलब जब कभी कभी होता है ना कि हम जो दुश्मन होता है उसके सामने सत्य मतलब भगवत गीता का सत्य, भगवान के बारे में सच बताने में डरते हैं कि वो तो मतलब
नास्तिक है, उसने हमको कोई मतलब हमसे हानि कर देगा हमारी, लेकिन जो व्यक्ति सरल होता है वो उनके सामने भी बताने से डरते नहीं भगवान के बारे में, है ना। दुश्मन के सामने भी सच को बताते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज भी थे, है ना। जब मालूम था उनके पिता जो हरि हरि भगवान नारायण के नाम से वो मतलब पसंद नहीं करते, तो कहते थे मेरे नाम का जाप कर, और वो हमेशा नारायण नाम का, तो जब उनसे पूछा जाता था कि जब हिरण्यकश्यप ने पूछा कि तुम किसका जाप करते, तो वो बताने से जरा भी नहीं डरे ना कि मैं नारायण का करता हूँ, जबकि उनको मालूम था कि मेरे पिताजी इसके विपरीत है, तो वो मुझे कष्ट देंगे। और उसके बाद जब उनको पता चला तो उन्होंने उसको सच में बहुत सारे काम किए, लेकिन वो कभी भी विचलित नहीं हुए, इतने सरल होते कि वो दुश्मन के सामने भी सच बोल देते, भगवान के बारे में सच, भगवान के सच बताने में वो डरते नहीं। फिर एक आध्यात्मिक गुरु के पास जाना है ना, ये जरूरी है, अगर हमें किसी भी चीज को ज्ञान चाहिए तो हमें आध्यात्मिक गुरु के पास जाना होगा ना। भगवद गीता का ये ज्ञान है, वो भी हमें गुरु परंपरा में, जैसे हमने पढ़ा था दूसरे अध्याय चौथे अध्याय में ना, तो उसमें भी हमें ज्ञान परंपरा में और आध्यात्मिक गुरु से लेना चाहिए, तो हमें जो परंपरा में ज्ञान आता है उससे हमें अच्छे से ज्ञान हो जाता है। फिर स्वच्छता, अब स्वच्छता क्या होता है, हम तो अपने शरीर को ही साफ सुथरा करने में लगे रहते हैं, तरह तरह की शैम्पू है ना, हैंड वॉश और फेस वॉश और दुनिया भर के हेयर वॉश के शैम्पू ऐसे इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम क्या सिर्फ शरीर के बाहरी स्वच्छता का ही ध्यान रखते हैं, लेकिन हमारी आंतरिक जो मन में इतने सारे कल्मश है ना, वो कैसे साफ होंगे, जाप से होंगे ना। जैसे चैतन्य महाप्रभु जी ने बोला था, चेतो दर्पण मार्जना, था ना, कि मेरे अपने जो चित्त है अगर उसको मेरे को मांजना होगा तो मैं क्या करूंगा, उसको साफ करना होगा तो मैं जप करना है मुझे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो हमारे आंतरिक स्वतंत्र स्वच्छता होती है वो मंत्र जाप से होती है, तो हमें बाहर और आंतरिक दोनों तरह की स्वच्छता को अपनाना चाहिए। स्थिरता, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का दृढ़ संकल्प है ना, ये बहुत जरूरी है आने के लिए, क्योंकि हम क्या होते हैं सब, एक दिन जब हम सुनते हैं कोई भी प्रवचन सुनते हैं या भगवद गीता पढ़ रहे हैं, तो हम ये 18 दिन तो बहुत ही मतलब एक्टिव रहते हैं ना, कि हाँ ठीक है, हमें समझ में आ रहा है कि भगवान की भक्ति करना ही सबसे जरूरी है, तो हम भक्ति में लग जाते और हम बहुत ही तेजी से लग जाते हैं। लेकिन जहाँ 18 दिन का कोर्स खत्म हुआ है ना, और फिर हमारे जो बाकी के दिन होते हैं जब हम सुनते नहीं है, तो फिर क्या होता है, हम फिर अपने पुराने जीवन में आ जाते हैं, और फिर लगता है कि ठीक है कर लेंगे, है ना, कर लेंगे, और वो करने में दृढ़ नहीं रहते। इसलिए स्थिरता होना चाहिए हमारे जीवन में, कि हमने जो एक दृढ़ संकल्प लिया है कि हम एक माला रोज करेंगे, तो हमें इसको रोज करना चाहिए, तो ये ज्ञानी लोग का गुण होता है। फिर आत्मसंयम है ना, आध्यात्मिक उन्नति के प्रतिकूल कुछ भी अस्वीकार करें, इंद्रियों को नियंत्रित करें, तो हमारे आत्मिक आध्यात्मिक प्रगति होती है ना, जो कुछ चीजें हमें विचलित करती है। हमने कल भी देखा था भक्तों में एक गुण में भगवान ने बोला था ना, कि जो बाह्य बाह्य स्थिति के द्वारा विचलित ना किया गया, कोई बाह्य व्यक्ति हमको आके विचलित कर रहा हो तो, और हम विचलित हो गए, मतलब अभी हम भक्ति में रमे नहीं, हम भक्त नहीं बने, लेकिन अगर कोई बाह्य व्यक्ति भी हमको विचलित करने का प्रयास कर रहा है तो भी हम विचलित नहीं होते। तो इसी प्रकार है कि जो हमें मालूम है जो हमारी भक्ति के लिए अनुकूल है ना, भक्ति हमारी जिससे घट जाएगी क्या हम उसके विचलित हो जाएंगे, तो ऐसी चीजों का हमें स्वीकार नहीं करना है ना, हमें अपनी इंद्रियों को क्या करना, नियंत्रित करना। फिर इंद्रिय वस्तु का त्याग, अनावश्यक मांगों को पूरा करने के लिए नहीं, केवल भक्ति सेवा के लिए है ना, तो हमें जो भक्ति करना है अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए नहीं। जैसे कई लोग कहते हैं कि भोग लगा के, हमने पढ़ा था कि भोग लगा के तो उनकी बहुत सारी इच्छाएं होती है, खाना वो खाना, तो वो नए तरीके से सीख जाते हैं कि अरे हम तो कुछ भी बनाएंगे या कुछ भी हम बाजार से लाएंगे और भोग लगाएंगे, वो अपनी जीवा की तृप्ति के लिए वो ये मार्ग भी अपना लेते, लेकिन हमें ये सब नहीं करना। हमें जो केवल भक्ति के लिए, भगवान की सेवा के लिए जो उपयोगी है और जो नियम बताए गए उसी के हिसाब से हमें इसको भक्ति को करना है, तो इससे हमारी जो इंद्रिय वस्तु है वो हमें मतलब हमें उसका त्याग करना है। झूठे अहंकार की अनुपस्थिति, अस्वीकार करें मैं ये शरीर या मन हूँ, स्वीकार करें कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ, तो हमारा जो अहंकार है वो क्या है कि मैं कौन हूँ, है ना, मैं आत्मा हूँ, मतलब हमारा अहंकार, लेकिन मतलब हम जानते अपने बारे में अगर हम, और लेकिन झूठा अहंकार क्या है, जब हम आत्मा ना मानते अपने आप को शरीर मानते, तो ये हमारा झूठा अहंकार है, क्योंकि हम सच में क्या है, हम तो आत्मा है, ये तो आत्मा तो
शरीर बदल रही है, तो ये एक तरह से कपड़ा ओढ़ा हुआ है हमने शरीर का। तो हम इसलिए जब हम इसको अच्छे से जानते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, तो ये हमारा, हम झूठे अहंकार को अपने आप को हटा सकते हैं। और हमको मानना है कि हमारा जो जो ये जो शरीर है मिला है आत्मा को कार्य करने के लिए, जो कर्म क्षेत्र मिला है, तो उससे हमें कौन से कर्म करने, कृष्ण की सेवा करनी है ना। हमें क्या बनना है, कृष्ण का सेवक बनना है। फिर बुराई की धारणा उचित स्रोत से इनके मामले में नियमित रूप से सुने, भौतिक जीवन से घृणा करें, है ना। तो जो हमें भगवान की तरफ ले जाते हैं उनके, हमें उनके बारे में उनसे हमको सुनना है, और जो हमें ये भौतिक जीवन है उससे हमें बचना है ना। क्योंकि भौतिक जीवन में क्या होता है, हम अपनी इच्छाओं, इंद्रिय तृप्ति की ओर ही भागते रहते हैं। तो भौतिक जीवन से हमको बचना है, और हमें जब हम नियमित सुनते रहेंगे, है ना, नियमित श्रवण करते रहेंगे, तो हम कभी भी भौतिक सुखों में अपने आप को लिप्त नहीं करेंगे, और हम भगवान की सेवा में अपने आप को लगा पाएंगे। अनासक्ति, कृष्ण के लिए सब कुछ बलिदान करने को तैयार रहना, पत्नी बच्चे परिवार आदि के साथ कोई उलझाओ नहीं। यदि आप इसे कृष्ण चेतना तरीके से कर सकते हैं तो उसका अभ्यास करना चाहिए, लेकिन क्या करें अगर कृष्ण चेतना के प्रतिकूल है। तो यहाँ पे क्या बोला कि मतलब पत्नी बच्चे परिवार को हमें त्यागना नहीं है ना, इसका मतलब ये त्यागना नहीं है, इसका मतलब ये कि हमको भी समझना है कि उनके अंदर में भगवान की आत्मा है, और भगवान उनमें भी बैठे हैं, भगवान का उनमें रूप है। तो हमें उनको भी क्या करना है, अध्यात्म से लगाना है ना, क्योंकि तो उनके उद्धार के लिए भी हमको सोचना है। अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम चाहते हैं ना कि उसका उद्धार हो, है ना, वो हमेशा सुखी रहे। तो अगर वो सुख कैसे रखता है, रियल सुख तो हमने देखा, रियल सुख तो क्या है, भगवान को कोई सेवा करने में। तो उसको भी, उसकी भी जो चेतना है, अगर घर में परिवार में कोई लोग हैं जो भक्ति से जुड़े नहीं है, तो उनकी चेतना को भी धीरे धीरे करके भगवान से जोड़ना। तो ये हम ऐसे रह के उनको अपने परिवार को बना सकते हैं ना, एक भक्त परिवार के रूप में बना सकते हैं। तो ये पत्नी बच्चों को छोड़ना नहीं, उनके साथ रह के हमें भक्ति करनी है। फिर निष्काम भक्ति सेवा, भक्ति की 9 प्रक्रियाओं में से स्वयं को स्वलग्न करना। तो हमने पढ़ रहे थे नवधा भक्ति, है ना, श्रवणम कीर्तनम स्मरण, तो श्रवणम कीर्तनम स्मरण, पाद सेवनम अर्चना मध्यम दास्यम सक्षम आत्म निवेदनम, है ना, ये पढ़ा था। तो ये 9 विधियां हैं भक्ति की, तो इसमें से हमको कोई भी भक्ति, कोई भी जो प्रक्रिया है उसमें हम अपने आप को सुना करके अपनी क्रियाओं को भगवान से जोड़ सकते। एकांत जगह में रहने की इच्छा, तो भौतिकवादी लोगों के साथ हमें नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें जंगल चले जाना है ना। तो हमने पढ़ा था हमें संन्यास नहीं लेना, हमें कर्म योग करना। कर्म योग क्या ना, जो भौतिकवादी लोग होते हैं ना, जो कि भगवान से जुड़े नहीं है ना, तो उससे हमें दूर रहना है ना, उनका हमें त्याग करना ऐसे लोगों का। और जो हमारी भक्ति बढ़ाएंगे ना, भक्त जो होते हैं ऑलरेडी, उनका संग करके हमको भक्तों के संगति में ही रहना चाहिए ना। अब यहाँ पे भगवान ने हमें ज्ञान भी बता दिया, ज्ञान का उद्देश्य क्या है ये भी बता दिया। अब यहाँ पे और क्या आगे बता रहे हैं, ज्ञान का लक्ष्य भी होता है, और ज्ञान दे दिया हमें, है ना। अब हमें बताएंगे, अब हमें मेन किसके बारे में जानना है, आत्मा के बारे में, है ना। तो अब ज्ञान का क्या लक्ष्य है उसके बारे में हम जानेंगे। तो इसमें अब ये वाले श्लोक में भगवान के आत्मा के बारे में बता रहे हैं कि हमारा ज्ञान का लक्ष्य क्या है, आत्मा और परमेश्वर, है ना। गेयम का बताया था ना, गेयम का मतलब क्या, हमें आत्मा और परमात्मा का ज्ञान होना। अब यहाँ पे इस वाले श्लोक में अभी आत्मा का ज्ञान दे रहे भगवान। अब मैं तुम्हें गे के विषय में बतलाऊंगा, जिसे सुनकर, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। पर यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे है। अब भगवान क्या बोल रहे हैं कि ये जो आत्मा है वो कौन है, भगवान का ही अंश है ना, वो नित्य ब्रह्म है, ठीक है, भगवान का ही अंश है, ब्रह्म है। और ये जो है अनादि है ना, भगवान के अधीन है, क्योंकि भगवान ही भगवान के ही अंश है, तो ये भगवान के अधीन है। और भौतिक प्रकृति क्या है, वो भी प्रकृति है, वो भी पूरे भगवान के अधीन है। तो ये जो हमारी आत्मा जैसे ही धरती पे आती है, भौतिक जगत में आती है, तो क्या होती है, प्रकृति के तीनों गुणों से बंध जाती है। तो जो सारे कार्य करती है वो भौतिक जगत के करती है ना। सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, उससे निकलने के लिए सबसे पहले हमें आत्मा का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे जैसी भगवद गीता भगवान ने दूसरे अध्याय में बोलना शुरू करे, सबसे पहले उन्होंने हमें आत्मा का ज्ञान दिया। क्योंकि जब तक हमें आत्मा का ज्ञान नहीं होगा,
तब फिर हम उस आत्मा को उद्धार करने के लिए ना भगवत की सेवा, भगवान की सेवा लगाने के बारे में हम सोचेंगे ना। इसलिए पहला हमें ज्ञान होना चाहिए आत्मा के बारे में। ठीक है, अब ये वाले श्लोक में भगवान परमात्मा का ज्ञान दे रहे। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है, फिर भी ये इंद्रियों से रहित है। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों के परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। अब हमने पढ़ा था ना वो 7वें अध्याय में कि ये जो तीनों प्रकृति है उसको बनाने वाले भगवान है, लेकिन वो तब भी उसमें फंसते नहीं है ना। भगवान प्रकृति के गुण बनाए, लेकिन भगवान प्रकृति के गुणों में फंसते नहीं। क्योंकि क्या, क्यों नहीं फंसते? क्योंकि भगवान इन तीनों गुणों से परे हैं और इन समस्त गुणों के स्वामी है ना। जैसे राजा होता है, वो कुछ अपने राज्य के लोगों के लिए मतलब नियम बनाता है, तो वो नियम उन लोगों पे लागू होता है ना, राजा पे लागू नहीं होता। क्योंकि वो राजा तो उनको मतलब अच्छे से जीवन जिए उसके लिए नियम बनाता है, तो इसलिए वो परमात्मा भगवान पे लागू नहीं होते वो नियम। और भगवान के बारे में क्या बोला गया, ये सभी इंद्रियों के मूल स्रोत हैं और इंद्रियों से रहित है। रहित है मतलब भगवान के पास इंद्रियां नहीं है ना, ऐसे नहीं। मतलब भगवान जो है, भगवान का शरीर दिव्य है ना, और उनकी जो सारी इंद्रियां है वो अलग से नहीं है। जैसे हमारी इंद्रिया, हमारा शरीर है जैसे बना है हड्डियों से बना है, मांस से बना है, तो भगवान का शरीर ऐसा नहीं बना। भगवान का शरीर दिव्य है और उनकी इंद्रिया भी दिव्य है। जैसे हमारी एक इंद्रिय एक ही कार्य करती है, आंखें खाली देखती हैं, हाथ है खाली, वो हाथ का काम करेंगे, लेकिन जो भगवान का शरीर है उनकी सारी इंद्रिया कोई भी काम कर सकती है ना। जैसे आंखों से वो भोजन ग्रहण कर लेते, अब वो अपने धाम में बैठे हैं, लेकिन वो जगत में यहाँ के भक्तों के समीप प्रकट भी हो जाते हैं भगवान, है ना। तो इस भौतिक और भौतिक सृष्टि भी सब चल रही है उनके आदेश के अनुसार। तो भगवान अपने किसी भी अंग से कोई भी कार्य कर सकते, क्योंकि उनके जो इंद्रियां हैं वो दिव्य है ना। तो यहाँ पे हमें परमात्मा का ज्ञान मिला कि परमात्मा क्या है। फिर अब क्या है, परम सत्य समस्त चर अचर के बाहर तथा शरीर स्थित है, भौतिक इंद्रियों के द्वारा चल जाने या देखने से परे, यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते किंतु हम सबके निकट रहते हैं ना। ये भगवान का गुण बता रहे हैं कि जो जितने भी चर और अचर है प्राण है ना, वो सब में भगवान बाहर भी है और भीतर भी है। बाहर है मतलब सब कण कण में व्याप्त है, और भीतर कैसे, हमारे अंदर परमात्मा के रूप में स्थित है। तो बाहर और भीतर दोनों जगह व्याप्त है भगवान, और वो दूर रहते हैं, वो अपने धाम में रहते हैं, लेकिन फिर भी पूरी भौतिक प्रकृति में वो कण कण में व्याप्त रहते हैं। तो अत्यंत दूर रह के भी, और सबसे करीब भी कौन है, अगर हमारे अंदर परमात्मा के रूप में, हमारी आत्मा के निकट सबसे करीब कौन रहता है, परमात्मा। तो भगवान अपने धाम में रहते हैं, तो कितना कितने दूर है, लेकिन वो फिर भी परमात्मा के रूप में सबसे पास है हमारे, है ना। जैसे सूरज है, सूरज कितना दूर है, लेकिन जब सूरज की किरणें आती है हमारे पास तो वो हमारे पास रहती है ना, पास दिखती है, लेकिन वो बहुत ऊपर रहता है सूरज। तो बहुत दूर भी है वो और बहुत पास भी है। जैसे हम भगवान को भी समझ सकते हैं, ठीक है। अब ये वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश होते हैं, वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर है। वे ज्ञान है, ज्ञेय और ज्ञान के लक्ष्य है, सबके हृदय में स्थित है। जैसे हम अभी पढ़ेंगे 15वें अध्याय में, सर्वस्तु सन्निविष्टो मत्तस् स्मृति ज्ञानम पोहना च। तो इसमें भगवान ही सबके हृदय में बैठे हुए स्थित हैं, है ना। और क्या भगवान को ज्ञान क्या है, मेन भगवान ही वेदांत को बनाने वाले हैं, और भगवान ही वेदों के द्वारा जानने योग्य। अगर हम वेदों को पढ़ते हैं तो हमें किसका ज्ञान मिलता है, वेदों में सबसे ज्यादा भगवान का ज्ञान मिलता है। तो हमें जानना भी किसको, ज्ञान का हमारा लक्ष्य क्या है, भगवान है ना। और ज्ञान क्या है, वो भी भगवान है, क्योंकि अगर ज्ञान नहीं होगा तो हम भगवान को जान नहीं पाएंगे, है ना। तो इस प्रकार, और जो सारे प्रकाश के स्रोत है ना, जो भी हम देखते हैं अग्नि है वो भी भगवान से है आई है, जो सूरज है वो भी भगवान से है, जो कुछ भी प्रकाश का स्रोत होता है वो सब क्या होता है, समस्त ये भगवान समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश होते हैं भगवान। तो यहाँ पे ये वाले में हम कैसे समझ आया, इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र ज्ञान तथा ज्ञेय के संक्षेप में वर्णन किया। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। अब भगवान इतना सारा ज्ञान दिए, उन्होंने क्षेत्र के बारे में बताया, क्षेत्र के बारे में बताया ना, और क्या बताया, ज्ञान क्या है ना, और ज्ञान का लक्ष्य क्या है, हमें कैसा ज्ञान प्राप्त करना है, किसके बारे में ज्ञान हमें प्राप्त करना है, ये सब भगवान ने बता दिया। तो वो क्या कह रहे हैं कि ये जो जितना भी ज्ञान है वो सिर्फ केवल मेरे भक्त समझ सकते हैं ना,
और इसको क्योंकि भगवान को क्या है, भगवान की जो, भगवान को हम भक्ति लोग समझ सकते हैं अच्छे से ना। जो अज्ञानी होगा, जिसके पास ज्ञान नहीं होगा, जो अभक्त होगा, वो भगवान से द्वेष करता है, तो वो भगवान को कैसे समझ सकता है? तो जो भक्त होते हैं वो भगवान को समझ सकते हैं। अब भगवान ने अभी तक यहाँ पे 4 प्रश्नों के उत्तर दे दिए ना। अब प्रकृति और पुरुष के बारे में बताएंगे भगवान। तो अब 20वें श्लोक से प्रकृति तथा तो जीवों को अनादि समझना चाहिए, उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन है ना। तो अब जो प्रकृति है और जो जीव है, दोनों अनादि है। अनादि मतलब दोनों शुरू से है ना। जीव मतलब जीव की जो आत्मा, जीव आत्मा उसके बारे में बोले, क्योंकि शरीर तो हमारा नष्ट होता रहता है, लेकिन आत्मा हमारी शरीर बदलती रहती, तो वो आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। और प्रकृति भी ऐसा है ना, क्या होता है कि अगर एक सीजन गया तो दूसरा आ जाता है, दूसरा गया तो तीसरा आ गया, तो कभी प्रकृति हमेशा चलती रहती, कभी नष्ट नहीं होती है ना। तो प्रकृति भी और जीव आत्मा भी है ना। अब जैसे कोई एक घर बना है, अगर वो टूट गया तो उसकी जगह क्या नया घर बन जाएगा? तो ऐसे कभी ये पूरी तरह से नष्ट नहीं होती, ये कि हाँ ये इसमें क्रियाशीलता चलती रहती है कि आज यहाँ कुछ है कल वहाँ कुछ है, क्योंकि ये वैसे भी ना, मतलब ये क्या अशाश्वत है ना। तो यही है कि यहाँ पे प्रकृति में परिवर्तन चलता रहता है ना। ऐसे जीवात्मा जो होती है वो शरीर बदलती रहती है, लेकिन कभी प्रकृति भी नित्य है और जीवात्मा भी नित्य है। तो यहाँ पे हम ये जानते। अब कार्य कारण कर्तव्य कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुषा सुख दुखाना भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों परिणामों की हेतु कही जाती है, और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। अब प्रकृति और पुरुष है ना, दोनों के बारे में भगवान संबंध बताएंगे कि दोनों में क्या संबंध है। तो प्रकृति है, प्रकृति भौतिक जो जो भी सृष्टि हमें दिख रही, भौतिक कारण जो भी दिख रहे, वो जो भी कार्य हो रहे हैं वो भौतिक प्रकृति के कारण हो रहे हैं। और जो उसमें जो जीवात्मा है ना, जीवात्मा क्या है, वो पुरुष है, भोगता है। तो यहाँ पे जो भी चीज मिलती है उसका भोग कौन करता है? जीवात्मा करती है। और उससे क्या होती है, वो अपने कर्मों के हिसाब से उसको सुख और दुख मिलता है। अच्छे कर्म करेंगे संसार में तो सुख मिलेगा, और जो दुख मिल रहा है हमें, तो हमें समझना चाहिए, क्योंकि हमने जो बुरे काम किए हैं है ना, उसका जो पाप है हमको भोगना ही पड़ेगा। क्योंकि हमें हर कर्मों को हमने पढ़ा ना, बारीकी से समझना चाहिए कर्म की गति को, कि अगर हम जैसे कार्य करते उसके हिसाब से हमें सुख और दुख मिलता है। तो अगर हमने जो बुरे कर्म किए उससे हमें दुख मिलेगा, तो हमारे जीवन में जो भी दुख आते हैं ना, वो हमें हमारे किए हुए बुरा जो बुरे कर्म होते हैं उसके ही कारण हमारे जीवन में दुख आते हैं। और जो सुख आते हैं वो भी ऐसे ही, हमने कभी किसी को खाना खिलाया होगा, कोई अच्छा कार्य किया होगा ना, तो वो सब हमारे सुख के रूप में आते। तो इंसान मतलब देख, हम सामान्य जीवन में देखते हैं ना, हर व्यक्ति कहता है कि मेरे जीवन में तो इतने दुख आ रहे हैं ना, तो उसको समझना चाहिए कि ये सब उन्होंने जैसे कार्य किए उसी के ही हिसाब से। वो क्या होता है, भगवान को दोष देने लगता है कि दूसरे व्यक्ति हैं जो तो वो बहुत सुखी हैं और मेरे को इतने दुख क्यों आ रहे हैं ना। इसलिए भगवद गीता में यहाँ पे कर्म की बहुत ज्यादा अच्छे से भगवान ने 5-6 अध्याय में हमने पढ़े थे ना कर्म के बारे में, कि हम कैसे कर्म करेंगे तो उसका कैसा फल मिलेगा, उसके हिसाब से ही हमें सुख और दुख को भोगना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे ये एक व्यक्ति दिख रहा है पिक्चर में, अब वो कुछ भी खा रहा है, उसको ज्ञान ही नहीं है ना, तो वो मांसाहार कर रहा है। तो वो जिस प्राणी को खा रहा है, तो क्या वो ये जो शरीर मिला भी मानव का जीवन है, वो क्या होगा उसी के, वो क्योंकि हमने पढ़ा ना अंतकाले जमामि ना, तो अंत में जो भगवान का स्मरण करता है, जो ज्ञान आता है उसको, वैसी में मति हो जाती। तो उसकी मति क्या होता है, जैसे जानवर का जो खा रहा है, तो क्या होती है उसकी चेतना उसी जानवर के जैसी होने लगती है। और फिर जब उसको दूसरा शरीर मिलता है, तो उसको उसी जानवर का मिलता है। इसलिए हमें हमें हमेशा यहाँ पे मांसाहार करने के लिए मना किया जाता है। पुरुष पुरुष प्रकृति स्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगत्या सदा सद्योनि जन्मसु। इस प्रकार की प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है, यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती। तो हमें कैसे, हम एक एक जानवर बनते हैं, या एक मनुष्य बनते हैं, या हम एक पेड़ पौधे बनते हैं है ना, या हम समुद्र के जीव बनते हैं, जलचर बनते हैं, या हम पशु बनते हैं, ये सब क्यों होता है, इसके बारे में भगवान इस वाले श्लोक में बता रहे हैं कि जो जो
जीव होता है वो क्या करता है, प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता है। कभी वो सत्वगुण में रहता, कभी वो रजोगुण में रहता, कभी वो तमोगुण में रहता है। तो वो जब जिस समय जिस गुण में रहता है उसके हिसाब से जो कार्य करता है उसी के हिसाब से उसको फल मिलता है। अगर वो सत्वगुण में वो अच्छा कार्य कर रहा है, ज्ञान हासिल कर रहा है, अभी हम इसके बारे में कल डिटेल में पढ़ेंगे, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण क्या है और ये कैसे हमारे शरीर में चेंज होते हैं ना, कैसे हमारे ऊपर कार्य करते हैं ये। तो ये भगवान ने ये हमने पढ़ा तो प्रकृति के लिए माना है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो आत्मा है वो कार्य कर रही है, लेकिन हमसे ये जो प्रकृति के तीनों गुण हैं जब हम इसमें बंध जाते हैं तो यही सारे काम हमसे करवाते रहते। तो ये हमारा क्यों होता है, क्योंकि हम प्रकृति के साथ बंध जाते हैं ना, उनकी संगति कर लेते हैं। तो इसी के कारण हमें या तो उत्तम शरीर मिलते, अगर हमने अच्छे काम किए हैं तो हम मनुष्य योनि प्राप्त करेंगे, और भी अच्छे काम किए तो हम देवताओं की योनि में भी जा सकते हैं, और अगर हमने बुरे कार्य किए हैं तो फिर धीरे धीरे करके हम पशु योनि में आ जाते हैं, और फिर धीरे धीरे करके और हम नीचे गिरते जाते हैं ना। इस प्रकार हम जो भी कार्य करते हैं प्रकृति की संगति से करते हैं। तो यहाँ पे यही हम देख रहे हैं। तो भी इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्वान, और जो परमात्मा कहलाता है ना, भोक्ता उपद्रष्टानुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मे देश में पुरुष परा। तो उस इसी में ये बोला कि हम हमारे शरीर में आत्मा रहती है, ठीक है, वो प्रकृति के गुणों से जो शरीर में आती है तो वो क्या होता है प्रकृति के गुणों में बंध जाती है, और जो है वो सारे कार्य कैसी करती है गुणों के हिसाब से करती है, लेकिन उसको लगता है वो अहंकार में लगता है कि मैं कार्य कर रहा हूँ ना। लेकिन अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो आत्मा तो रहती है हमारे शरीर में, उसके साथ कौन रहता है, एक दिव्य भोक्ता। दिव्य भोक्ता क्या है, हमने पढ़ा था भोक्ताराम यत् तपसाम, ये जो मेन जो भोग करने वाला वो भगवान है ना, तो वो परम स्वामी आत्मा, जैसे अभी हमने जाना शरीर में आत्मा और परमात्मा दोनों ही रहते हैं, तो यहाँ पे फिर परमात्मा के बारे में बता रहे हैं कि ईश्वर है और परम स्वामी और हमारे शरीर में रहता है। मतलब एक भोक्ता तो हमारी आत्मा हो गई जो भोगेगी है ना सुख दुख को, जो भी कर्म करेगी उसके जो सुख दुख होंगे वो आत्मा भोगेगी, और एक दूसरा भोक्ता कौन रहता है, दिव्य भोक्ता कौन है, वो भगवान है, वो परम स्वामी है। और वो क्या करता है, वो हमारे जैसे सीसीटीवी कैमरा होता है, वो हम जो कर रहे हैं ना वहाँ पे रूम में लगा है तो ऐसी जगह की पूरा कमरा दिखाई दे रहा है ना, तो वो उसको उस कमरे में जो कुछ भी हो रहा है वो एक तरह से साक्षी बन जाता है कि वो क्या क्या हो रहा है उस कमरे में, वो कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा है और हम उसको कभी भी देख सकते हैं ना। तो ऐसे ही जो भगवान है परमात्मा के रूप में जब हमारे शरीर में रहता है ना उसको देखो परमात्मा कहते हैं, तो जब हमारे शरीर में रहता है तो वो भी हमारे कर्मों को, एक एक कर्मों को क्या रिकॉर्ड करते जाते हैं ना, तभी तो हम अच्छे कर्म करें चाहे बुरे करें उसको हमको फल भोगना ही पड़ता है, और हम सबसे बच सकते हैं ना, सबकी निगाहों से बच सकते हैं, लेकिन हम भगवान की निगाहों से परमात्मा की नजर से नहीं बच सकते। जैसे सीसीटीवी कैमरा कई कितनी जगह लगा होता है फिर भी चोरियां हो जाती है ना, क्योंकि वो सब कुछ कैप्चर नहीं कर पाता, कभी कभी उसको भी उसके लगने के बाद भी वहां पे अनहोनी हो जाती है, लेकिन जो भगवान होते हैं उनसे कोई नहीं बच सकता ना, वो ऐसे सीसीटीवी कैमरे कि वो सब कुछ एक एक चीज रिकॉर्ड होता है, और हम कैसे भी कर्म करें वो हमको उसके हिसाब से फिर हमें फल देते हैं। तो हम कभी अकेले में रहते हैं तो कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिससे हमें लगता है कि अच्छा कोई नहीं देख रहा, अब मैं ये कार्य कर सकता हूँ ना, कुछ गलत कार्य, लेकिन आपको ये हमेशा ये सोचना चाहिए कि परमात्मा तो हमेशा हमारे साथ है, वो देख रहे हैं। जैसे एक छोटी सी कथा है मैं सुन रही थी कि एक गुरु जी के पास दो शिष्य जाते हैं और कहते हैं कि हमें आपसे दीक्षा लेनी है, तो कहते हैं कि ठीक है अच्छा ये दो तरबूज, एक एक तरबूज दे देते शिष्यों को और भेज देते, और कहते हैं कि इनको वहां काट के, वहां काटना है इसको तरबूज को जहाँ पे कोई ना देख रहा, और तुम ले आना फिर काट के, ठीक है। तो वो दोनों जाते हैं तो एक जो शिष्य होता है तो 2-4 घंटे में काट के ले आता है, बोले ठीक है, और एक दिन भर लगा देता है फिर भी आता है तो तरबूज होता ऐसे ही साबुत ही रहता, काटता नहीं है वो। तो फिर दोनों शिष्यों से पूछा जाता है, तो जो शिष्य काट के लाता है वो कहता है कि मैं तो पहाड़ी के पीछे गया था, वहां एक सुरंग थी, वहां पे मुझे कोई नहीं देख रहा था चारों तरफ, और मैंने काटा वहां पे ले आया। बोले ठीक है। अब दूसरे से पूछा भैया आप है ना, वो शिष्य से, कि आप ऐसे क्यों ले आए, इसको काटने की अनुमति दी गई थी तो काट के क्यों नहीं लाए। तो वो कहता है कि मैं एक्चुअली जब भी इसको काटने का प्रयास किया, मैं कितनी भी सुनसान जगह में अकेले में गया जहाँ पे कोई नहीं था, लेकिन जब जैसे ही मैं काटने लगा तो मुझे ये ज्ञान हुआ कि परमात्मा तो मुझे हर जगह देख रहे हैं, मेरे अंदर भी परमात्मा और कण कण में भगवान है,
भगवान तो मुझे हर बार देख रहे हैं, तो फिर मैं कैसे काट सकता हूँ, इसलिए मैं दे आया। तो गुरुजी ने क्या बोला, जिसने तरबूज काट के लाया था तो उसको तरबूज दे दिया, बोले जाओ तुम तरबूज खाओ, और ज्ञान मतलब अगर दीक्षा लेना है तो उसके हिसाब से थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए ना। और जिसको ये था जो नहीं लेके आया काट के, उसको फिर उसको दीक्षा दी और उसको ज्ञान दिया। इस प्रकार परमात्मा हमें सब जगह से देख रहा है और हमारे सब कर्मों को वो रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, है ना। तो हमें ऐसे कर्म करने चाहिए कि हमें इसका हम भगवान तक पहुंच सके। जो व्यक्ति प्रकृति जीव और प्रकृति के गुणों की अंतःक्रियाओं से संबंधित है, इस विचारधारा को समझ देता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होता ना। जो जीव प्रकृति है ना, और अभी यहाँ पे भगवान जो भी ज्ञान दे रहे प्रकृति पुरुष और जीव, तो ये जो इसको अच्छे से जान लेता है ना, इसको समझ लेता, तो वो उसकी क्योंकि उसको वो ज्ञान है उसको, है ना, उसकी प्राप्ति उसको मतलब उसकी मुक्ति निश्चित होती है और वो पुनर्जन्म में नहीं फंसता ना। जैसे ज्ञानी लोग होते हैं तो जब धीरे धीरे वो ज्ञान हासिल करते हैं तो फिर वो भगवान की फिर भक्ति करते हैं। जैसे यशोदेव मुनि है ना, वो भी पहले ज्ञानी थे लेकिन फिर वो भक्त बने। हमेशा ज्ञान क्या होता है ना, भक्ति की तरफ ले जाता है, क्योंकि जब उसको ज्ञान हो जाता है कि मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, मेरे और मेरा जो जीव मतलब मेरा जो क्या है, मैं कौन हूँ, है ना, तो मैं हम क्या है, भगवान के सेवक है। तो जब भगवान की सेवा करते हैं तो हम अच्छे से भगवान तक पहुंच सकते हैं। हरे कृष्ण। अब ये तीन गुणों के बारे में थोड़ा सा यहाँ इस वाले अध्याय में, कि जो सतोगुण में जो पढ़ रहा है तो बैठ के पढ़ेगा, रजोगुण में लेट के पढ़ेगा, और वो पढ़ाई भी जो पढ़ाई है वो नहीं पढ़ेगा ना, कुछ और ही पढ़ेगा। और ये तमोगुणी व्यक्ति क्या होगा, तो सो जाएगा, पढ़ाई नहीं करेगा, है ना। ऐसे सतोगुण में एग्जाम के बारे में दिया है कि एग्जाम कैसे देते हैं सतोगुणी जो होते हैं, वो ध्यान से है ना आराम से बिल्कुल एग्जाम में लिखते रहते हैं, जो भी उनका पेपर होता है उसको वो ध्यान से करते हैं। और एक जो रजोगुणी होते हैं वो क्या चीटिंग करते हैं ना, चीटिंग करके देख के लिखते हैं। और एक तमोगुणी व्यक्ति होगा वो सो जाएगा। कभी कभी हम देखते हैं ना एग्जाम हॉल में भी लोग सो जाते हैं, तो वो तमोगुण में होते हैं, है ना। ऐसे ही आहार होता है सतोगुण में, भक्त लोग जो खाते भोग लगा के वो सतोगुणी आहार होता है। और ये सब हम जब देख रहे हैं ये सब तमोगुणी है रजोगुणी है, और जो तमोगुणी है वो तो क्या क्या खा रहा है और क्या नहीं खा रहा, उसको उसका भी ज्ञान नहीं है ना। टेस्ट में बस उसको खाना है, कहाँ से आ रहा है खाना, कैसा आ रहा है उसको कोई मतलब नहीं, उसमें शुद्धता है कैसा बना उसको कोई मतलब नहीं होता, बस उसको खाना है। जैसे तमोगुण लोग रहते हैं। अभी हम अगले नेक्स्ट वाले जो कल वाला अध्याय है ना प्रकृति के तीन गुण, उसमें हम जानेंगे। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म के द्वारा देखते हैं। तो एक व्यक्ति होता है जब कर्मों के द्वारा भी भगवान को प्राप्त कर सकता है, जब वो सारे कर्म भगवान को अर्पित कर देता है। एक व्यक्ति जो ज्ञान होता है, तो ज्ञान का अनुशीलन क्या है, भगवान को प्राप्त करना। तो जो ज्ञान हासिल करते हैं, है ना, जैसे चतुर कुमार पहले ज्ञानी थे लेकिन जैसे ही वो भक्तों की संगति में आए वो भक्त बन गए ना भगवान के संपर्क में। और बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं कि जो पहले ज्ञानी थे लेकिन उनको जैसे ही अपने ज्ञान का मुख्य उद्देश्य पता चलता है कि हमें ज्ञान हमें पास है तो ये उसका उद्देश्य क्या है इसको, तो फिर हम भगवान को वो भक्ति करते हैं और भगवान को प्राप्त करते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते पर अन्यों में परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पद को पार कर जाते हैं ना। जो जो ज्ञानी होते हैं वो क्या होते हैं, आध्यात्मिक गुरु। जैसे हमने अभी ज्ञान का पढ़ा था ना, ज्ञान के लक्ष्य में प्रामाणिक गुरु था। तो जब वो प्रामाणिक गुरु पुरुषों साधु पुरुष से सुनते हैं तो वो क्या होते हैं, उनकी जो मतलब शुद्धि हो जाती है उनके मन की, और वो क्या होते हैं, जन्म मृत्यु से पार हो जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिख रहे जो अनुभव, ये माता थी कपिल महाराज जी की, जो माता थी है ना, उन्होंने अपने पुत्र को ही जो कि उन्होंने अपने पुत्र को ही गुरु बनाया। और जैसे अर्जुन ने भी कहा था ना, कार्पण ने तो
ना, कार पढ़ने दो। तो फादर सभाव कि अब मुझे, मैं शिष्य हूँ आपका, शिष्य ते शादी माम स्वाम प्रपन्न, मैं शिष्य हूँ और आप मुझे ज्ञान दो। तो जब हम ज्ञान किसी गुरु प्रामाणिक उनकी शरण में जाते हैं और उनके द्वारा दिए ज्ञान का अनुसरण करते हैं, तो हम जन्म मृत्यु के पद से पार हो जाते हैं। हे भरत वंशी हो मेश के, जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वे कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र की ज्ञाता का संयोग मात्र है ना। तो हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो क्या, भौतिक प्रकृति और हमारे अंदर जो आत्मा है उसे मिलके ही यहाँ पे हो रहा है। तो ये जो भी है, कर्म क्षेत्र और क्षेत्र का ज्ञाता, दोनों क्षेत्र का ज्ञाता भगवान है ना, और कर्म क्षेत्र जो हम कर्म कर रहे हैं ना, तो ये जो दोनों के संयोग मात्र से ही हमें ये सब कुछ अस्तित्व में हमको दिख रहा है। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता और जो ये समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा है ना ही परमात्मा, कभी भी नष्ट होता है, यही वास्तव में देखता है। तो एक जो ज्ञानी की दृष्टि क्या होती है, वो सब जीवों में भगवान के रूप को देखता है ना, कि भगवान उसके अंदर आत्मा है। जब उसकी दृष्टि ऐसी हो जाती है, वो हर आत्मा में भगवान का दर्शन करने लगता है, तो वो सही तरह से उसको ज्ञान प्राप्त हो गया है और वह कभी भी विनष्ट नहीं होता है। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्व तथा प्रत्येक जीव के समान रूप में वर्तमान देखता है, समान रूप से वर्तमान देखता है, वे अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता है, इस प्रकार इस दिव्य रत्न को प्राप्त करता है। तो वो क्या करता है, वो अपने आप को क्या, आत्मा मानता है ना, और आत्मा का उद्देश्य क्या है, भगवान की सेवा करना। तो वो जीवे वो भी कृष्ण नित्य कृष्ण दास। तो जब वो ये समझ जाता है कि जीव का जो उद्देश्य है वो भगवान की सेवा करना है, और भगवान की सेवा करता है, तो वो क्या होता है, फिर वो दिव्य भगवान के नाम को प्राप्त होता है। जो ये देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उपस्थिति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वह यथार्थ में देखता है। अब यहाँ भगवान ज्ञान दे रहे हैं कि ज्ञान में हमें कैसी नजर रखनी है ना, अपनी दृष्टि कैसी रखनी है। तो जो ये देखता है कि सब कुछ ये प्रकृति के तीनों गुण ही करा रहे हैं, है ना, और हमारी आत्मा है वो इन गुणों में लिप्त हो रही है। तो अगर वो इस चीज को अच्छे से समझ जाता है, प्रकृति के गुणों को और आत्मा को अच्छे से ज्ञान हो जाता है, तो वो सही तरह से वो समझ पा रहा है, मतलब वो ज्ञान में आगे बढ़ रहा है। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु में लिप्त नहीं होता। उसी प्रकार ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। तो यहाँ उदाहरण दिया गया, जैसे आकाश है ना, आकाश सर्वव्यापी सब जगह फैला रहता है, इसी प्रकार भगवान भी सब जगह होते हैं ना। तो जिनको ज्ञान होता है कि हमें भगवान के लिए ज्ञान हासिल करना है और हमें शरीर के लिए नहीं, मतलब जो शरीर से क्रियाकलाप है उसको भगवान की सेवा में लगाना है, और वो अपने शरीर से क्या होता है, संसार में लिप्त नहीं होता, वो इस शरीर से अपने भगवान की सेवा में लगा रहता, तो वो ही सही ज्ञान है। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। तो जैसे सूरज होता है, एक सूरज से पूरे संसार में उजाला है ना, रोशनी मिलती है, तो इसी प्रकार जब आत्मा एक शरीर में आती है तो उसमें पूरे शरीर को प्रकाशित करती है, तो वो पूरे शरीर को क्या, चेतना देती है, और पूरा शरीर क्रियाशील हो जाता है। तो एक आत्मा सारे शरीर की चेतना को प्रकाशित करती है। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा तो शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। जिनके पास ज्ञान है सही तरीके, या ना ज्ञान की आंखें हैं, वो शरीर तथा शरीर की ज्ञाता में अंतर को देख लेते हैं, वो जानते हैं कि आत्मा और परमात्मा, ये आत्मा और शरीर अलग अलग है ना। अब जिनको ज्ञान ही नहीं है वो अपने आप को शरीर मानते हैं। तो जो दोनों चीज को अच्छे से जानते हैं कि हमारा शरीर अलग है और आत्मा अलग है, और आत्मा है वो जो नित्य है, और जो शरीर है वो नश्वर है, वो यहीं रह जाना है, तो वो इसके इस ज्ञान की तरफ जब इससे आगे बढ़ते हैं, तो वो क्या, भगवान के परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, और वो अपने आप को मुक्ति भव बंधन की से अपने आप को मुक्त कर देते हैं। अब प्रभुपाद जी ने इस अध्याय में क्या बोला है हम जानते हैं। इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यही कि मनुष्य को शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए ना। शरीर क्या है, शरीर का स्वामी क्या है, तो शरीर तो हमारा जो दिखता है ना, वो शरीर है, और शरीर का स्वामी कौन है, आत्मा, और उसके अंदर कौन होता है, परमात्मा। तो इस तीनों को अच्छे से जानना चाहिए, है ना, यही ज्ञान है। इसे श्लोक 8 से लेके 12 तक
में वर्णित मुक्ति की विधि को जानना चाहिए, तभी वह परम गति को प्राप्त हो सकता है। श्रद्धालुओं श्रद्धालु को चाहिए कि सर्वप्रथम वे ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगति करे और धीरे धीरे प्रवृत्त बने, है ना। क्योंकि पहली भक्ति क्या है, श्रवण, है ना। श्रवण सबसे आसान पद्धति है। और जब हमें भगवान के बारे में और ज्ञान चाहिए, भगवान की तरफ कैसे बढ़ना है, क्योंकि तो जब हमारे अंदर बहुत सारी जिज्ञासा आती है, तो जिज्ञासा कैसे, हम जब किसी प्रमाणिक गुरु से हम सुनते हैं भगवान के बारे में, तो सारी जिज्ञासा हमारे धीरे धीरे सारे हमारे प्रश्नों के उत्तर हमें मिलने लगते हैं, तो फिर हम भक्ति के तरफ आगे बढ़ते हैं। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है, और यही अग्रिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्यों को देहात्मबुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देते हैं। उदाहरण, भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने की शिक्षा दे, है ना। भगवान सारा ज्ञान दे रहे हैं यहाँ पे, इसलिए दे रहे हैं कि अर्जुन जो शरीर समझ रहा था सबको, देख कि ये मेरे गुरु हैं, मेरे भाई हैं, उनको सिर्फ शरीर के स्तर पे ही देख रहा था, तो उस स्तर से उनको वहां से हटाने के लिए भगवान ये सब ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं। तो हमें भी अगर गुरु के शरण में जाएंगे तो हम गुरु हमें सही तरीके से हमें शिक्षा देंगे, और हम सब चीजों को स्पष्ट रूप से, आत्मा को, परमात्मा को और हमारे शरीर को स्पष्ट रूप से हम समझ पाएंगे कि तीनों अलग अलग चीज है, और हमें किसके तरफ हमें अपनी बुद्धि को लगानी है ना, क्या ज्ञान प्राप्त करना हमें, ये हमें समझ में आएगा। मनुष्य यह तो समझ सकता है कि शरीर पदार्थ है और इसे 24 तत्वों से विश्लेषित किया जा सकता है। जीवन के लक्ष्य इन्हीं तत्वों की अंतःक्रिया विकार है, किंतु इनसे भी ऊपर आत्मा और परमात्मा है ना। 24 तत्वों से हमने पढ़ा, जिससे हमने गिना था 24 तत्व आज, और लेकिन उससे भी ऊपर कौन है, उसके अंदर आत्मा और परमात्मा। अगर शरीर 24 तत्वों से मिलके तो बना है, लेकिन अगर उसमें आत्मा का वास नहीं होगा तो वो शरीर क्या कहलाएगा ना। शरीर हम बोलते हैं ना, हमारा प्रिय व्यक्ति है, जब उसमें से आत्मा निकल जाती तो कहते हैं यार इसको ले जाओ, जबकि हम उस शरीर से ही उसको व्यक्ति को पहचानते हैं ना। तो लेकिन जैसे ही आत्मा निकल के हम कहते हैं वो चला गया, है ना। चला गया तो क्या चला गया, शरीर तो हाँ सामने यही बात रखा, शरीर तो सामने है, चला कौन गया, चला कौन गया, आत्मा चली गई, है ना। तो हम आत्मा चली गई, तो हम जब आत्मा और परमात्मा को अच्छे से जानते हैं परमात्मा के विषय में, तो यही ज्ञान है। आत्मा तथा परमात्मा दो है, ये भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से क्रियाशील है, कार्यशील है। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से अध्याय को भली भांति समझ, क्योंकि ये थोड़ा अध्याय थोड़ा सुनने में समझने में ना ज्ञान योग थोड़ा सा हमें कठिन लगता है, इसलिए अगर इस अध्याय को हमें और अच्छे से जानना है तो हमें गुरु की शरण जाके इस अध्याय को अच्छे से समझना। तो हरे कृष्णा, आज हमारा 13वां अध्याय यहीं पे संपूर्ण हुआ है, हम कल 14वें अध्याय को जानेंगे। का प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। जी माता जी, हरे कृष्णा।